डॉक्टर विक्रांत भूरिया, कांग्रेस नेता एवं चिकित्सक। डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी को सियासत विरासत में मिली, लेकिन उसका आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया। आपके पिता श्री कांतिलाल भूरिया कांग्रेस के बड़े नेता हैं। स्कूली पढ़ाई के उपरांत आपने एमबीबीएस और जनरल सर्जरी में एमएस किया। स्टेट प्री पीजी एंट्रेंस एग्जाम में आपने दूसरी रैंक हासिल की। छात्र जीवन के दौरान पोस्ट ग्रेजुएशन ऑनिंग लीडरशिप के दौरान जनरल सर्जरी में आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे। पढ़ाई के दौरान जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन से जुड़े। 2009 में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन इंदौर के अध्यक्ष चुने गए। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन मध्य प्रदेश के राज्य अध्यक्ष चुने गए। चिकित्सा के साथ सेवा के लिए आपने राजनीति को चुना। 2020 में यूथ आइकॉन के रूप में चुने गए एवं वर्तमान में आप मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। दखल परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आज आशुतोष भैया के सानिध्य में खड़े हैं और संजय भैया के सानिध्य में खड़े हैं। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जितने भी यहाँ कलाकार आए हैं, जितने भी यहाँ पर लोग आज इस मंच पर आए हैं, उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ त्यागा है। बिना सेक्रीफाइस के आप ऊपर नहीं जा सकते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि जब एक जीवन मैंने शुरू करा था, तब क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ बोली गई कि ये राजनीतिक परिवार से आते हैं, पर मैंने ये कोशिश करी कि उस चीज़ को कभी अपने लक्ष्य के बीच में ना आने दूँ। और ये बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि ये बहुत आसान होता है कि आपको कहना कि ये तो बड़े नेता का बेटा है, ये कर लेगा, इसके लिए आसान होगा। तो मैंने जो फील्ड चुनी, ऐसी चुनी जिसमें मैं अपना लोहा मनवा सकूं। और यही शुरुआत हुई थी जब बचपन से मैं भले ही राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ, पर कभी मैं राजनीति में आना नहीं चाहता था। और बचपन से मेरे दिमाग में एक चीज बिल्कुल साफ थी भैया, कि मुझे डॉक्टर बनना, एक सर्जन बनना है। आज ये लोग सोचते हैं कि पहले कैसे सोच सकते, पर एक था, एक मैं सोचता हूं एक भगवान की एक ताकत होती जो आपको रास्ता दिखा देती है। और मैं भगवान में बहुत विश्वास करता हूं, और जो कुछ आज मैं हूं उनकी देन है, मेरा कुछ भी नहीं है। जब मैं मानता हूं कि जब हमारा एमबीबीएस का एग्जाम होता है, पीएमटी का एग्जाम होता है, आजकल नीट बोला जाता है, सबका ये कहना था यार बिना वेट करे या फिर बिना ड्रॉप लिए आप पार नहीं कर पाते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि बहुत टफ एग्जाम होता है। पर मैंने वो एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला अपनी मेहनत पर। उसके बाद एक चीज जिंदगी ने मुझे सिखाई, उसमें मेरी फर्स्ट वेटिंग आई थी, मतलब पहला वेटिंग। एक होता है कि आप अपनी लाइन क्रॉस कर जाओ, एक होता है पहला वेटिंग आना, और उसके लिए जो संघर्ष लगता है। उस दिन मैंने ये तय करा था कि शायद इस बार मेहनत में कुछ कमी रह गई है, पर अगली बार जब भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा उसमें टॉप 10 में मैं आकर दिखाऊंगा। और मैं आपको बताऊंगा, एमबीबीएस में बहुत मेहनत करी, सब कुछ करा, पर एमबीबीएस से भी बड़ा एक एग्जाम होता है प्री पीजी का, पोस्ट ग्रेजुएशन का। उसमें जब मेहनत करी, और सही बता रहा हूं, हम 16-16 घंटे पढ़ते थे, मतलब घर वालों को ही लगता था ये पागल ना हो जाए, क्योंकि आप जब तपस्या करते हो, तपस्या जुनूनी होना चाहिए। और पूरे मध्य प्रदेश में मेरी सेकंड रैंक आई थी। और क्या होता क्या है, इसमें एक बहुत अच्छा वाक्य मैं सुनाऊंगा। अक्सर जो मैंने क्यों बताया कि मैं सर्जन बनना चाहता है, जो भी फर्स्ट आता है, जो भी सेकंड आता है, वो रेडियोलॉजी लेता है या मेडिसिन लेता है या ऑर्थोपेडिक्स लेता है। पर मैंने उस समय जो मेरा जुनून था कि नहीं, मुझे सर्जन बनना है, क्योंकि मुझे वापस अपने छाबों में जाकर लोगों की मदद करनी, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वो आदिवासी क्षेत्र है, और उस समय वहां एक भी हॉस्पिटल नहीं हुआ करता था। तो सर्जन बने, सर्जरी में भी गोल्ड मेडलिस्ट बना। और उसके बाद जैसे ही मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ, तब सबसे पहले मैं झाबुआ गया अपना संकल्प को पूरा करने के लिए। और मुझे खुशी है कि मेरे पिताजी ने मुझे कोई हॉस्पिटल बनाकर नहीं दिया, नर्सिंग होम नहीं बनाकर दिया। मैं वहां गया और एक गैरेज से अपना नर्सिंग होम चालू करा था मैंने, वहां पर जहां पर हम गाड़ी खड़ी करते थे वहां से नर्सिंग होम शुरू करा था। और आज वो आते आते ऐसा हुआ है कि आज मैं राजनीति में आया हूं, आज यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हूं। पर मैं ये समझता हूं कि हम सबका जो दायित्व है समाज के प्रति,
हमें उसको निभाना चाहिए। और कई बार मुझसे पूछते हैं, यार आप तो डॉक्टर थे, लाखों की नौकरी थी, आप राजनीति में क्यों आए? मेरा उनका यही जवाब रहता है, जिंदगी एक मिली है तो जो कर सकते हो कर जाओ, क्योंकि इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। तो आप सबका मुझे ये मौका देने के लिए धकल न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आशुतोष भैया का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अनुराग भैया और शेफाली जी का धन्यवाद देता हूँ, संजय भैया भी आज साथ हैं, और मुझे बहुत खुशी होती कि हम एक ही तरफ होते पर आज ये उस तरफ खड़े हैं और हम इस तरफ खड़े हैं। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं पर मेरे पिताजी के बहुत अभिन्न साथियों में से संजय भैया रहे हैं, और मैं सोचता हूं कि एक दिन ऐसे आएगा जब हम दोनों एक तरफ होंगे, जहां मैं खड़ा हूं वहीं। इसलिए मैं बोला जहां मैं खड़ा हूं भाई, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। थैंक यू। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।